हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। फ्रेंड्स, हमने कंप्यूटर के पार्ट टू में कंप्यूटर की मिडिल एज पढ़ी थी, जिसमें हमने कंप्यूटर के दो मशीन्स पढ़ी थी। एक थी हमने हमारी हार्मन हॉलरिथ टैबुलेटिंग मशीन और दूसरी थी एबीसी दैट इज अटेंस ऑफ वेरी कंप्यूटर। फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर के पार्ट थ्री में कंप्यूटर की मॉडर्न एज पढ़ेंगे, जो हमारी स्टार्ट होती है 1944 AD से लेके टिल नाउ तक। फ्रेंड्स, इसमें हमारी फर्स्ट मशीन जो है वो आती है एनिक, दैट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फ्रेंड्स, इसको डेवलप करने वाले हमारे जेपी एकर्ट और जॉन मॉली थे, जिन्होंने 1946 में इस मशीन को बनाया। फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस थी और ये जो काम करती थी वो इलेक्ट्रिक पल्स के ऊपर काम करती थी। जो इलेक्ट्रिक पल्स होती थी वो 0 और 1 को डोनेट करती थी कैलकुलेशंस के लिए, और ये हमारी बहुत फास्ट मशीन थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पल्स जो होती है उसकी मोमेंट जो होती है वो फास्ट होती है किसी भी मैकेनिकल मोमेंट से। फ्रेंड्स, इसमें हमारी नेक्स्ट मशीन आती है एग्जैक्ट, दैट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फ्रेंड्स, इसको डेवलप करने वाले हमारे जॉन वॉन न्यूमैन थे, जो 1949 में इस मशीन को बनाया। फ्रेंड्स, उनका मानना था कि मशीन जो होती है वो सिंपल और उसका फिक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए और वैसे प्रोग्राम्ड होनी चाहिए कि वो किसी भी तरह का कैलकुलेशन परफॉर्म कर सके। फ्रेंड्स, डाटा और प्रोग्राम भी सेम मेमोरी में स्टोर होने चाहिए, उनका मानना ये था। तो फ्रेंड्स, ये वाली मशीन जो थी ये अपने डेटा और प्रोग्राम को खुद मॉडिफाई करती थी, और ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो स्टोर करता था प्रोग्राम को। फ्रेंड्स, इसमें हमारी नेक्स्ट मशीन आती है एडवेक, दैट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फ्रेंड्स, इसको डेवलप करने वाले हमारे मॉली, एकर्ट और वॉन न्यूमैन थे, जिन्होंने 1949 में इस मशीन को बनाया। फ्रेंड्स, ये वाली मशीन हमारी बाइनरी नंबर्स के ऊपर वर्क करती थी रादर देन डेसिमल ऑपरेशन, और फ्रेंड्स इसमें भी हमारे स्टोर, ये भी हमारी स्टोर प्रोग्राम मशीन थी। फ्रेंड्स, एडवेक जो था वो ऑटोमेटिकली एड, डिवाइड और मल्टीप्लाई करता था नंबर्स को। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमारी नेक्स्ट मशीन आती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फ्रेंड्स, इसको बनाने वाले जेपी एकर्ट और जॉन मॉली थे, जिन्होंने इस मशीन को बनाया। फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट मशीन थी जो कमर्शियली अवेलेबल हुई मार्केट में यूज पर्पस के बेसिस पे, और फ्रेंड्स यहीं से ही हमारी फर्स्ट जनरेशन जो है कंप्यूटर की स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।